अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कुबरा खान पाकिस्तानी यंग टैलेंटेड वर्सटाइल टीवी फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्म्स और ड्रामास दोनों में काम किया है और दोनों ही जगह इनको काफ़ी पसंदीदगी और पज़ीराई हासिल हुई है। क्रिटिक्स ने इनके काम की हमेशा बहुत तारीफ़ की है और इनका हर ड्रामा ही काफ़ी सक्सेसफुल होता है। कुबरा खान के करियर पर अगर एक नज़र डालें तो इन्होंने अपना करियर की शुरुआत फिल्म नामालूम अफराद से की। उन्होंने इस फिल्म में छोटा सा किरदार निभाया, एक कैमियो अपीयरेंस थी, लेकिन इस किरदार को काफ़ी पसंद किया गया और ये किरदार आज भी लोगों को याद है, तो काफ़ी इसका इम्पैक्ट रहा और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली कुबरा की परफॉर्मेंस को जाता है। उसके बाद कुबरा ने बैक टू बैक टीवी ड्रामास किए जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुए, जैसे अलिफ अल्लाह और इंसान, संग मरमर ड्रामास में कुबरा नज़र आई और इसमें इनकी परफॉर्मेंस को भी पसंद किया गया। ओवरऑल ये ड्रामास भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए। उसके बाद कुबरा खान ने फिर से फिल्म्स में काम किया, जहां जवानी फिर नियानी टू और परवास है जुनून में नज़र आई। दोनों ही फिल्में पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में शामिल हैं लिस्ट में। और इसके बाद रिसेंटली बैक टू बैक जो भी ड्रामा कुबरा खान ने किया उसमें बहुत ही मुख्तलिफ और डिफरेंट किरदार निभाया और सारे ड्रामे सक्सेसफुल हुए। ड्रामास में हम कहाँ के सच्चे थे, सिन्फ आहन, संगे माँ, जन्नत से आगे जैसे ड्रामे शामिल हैं। राइट नाउ कुबरा खान का एक ड्रामा एयरवाई डिजिटल पे ऑन एयर है, नूर जहां, जिसको भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं और उस पर भी काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप आ रही है, लोग उसको भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उसमें भी कुबरा की परफॉर्मेंस हाईलाइट है और काफ़ी पसंद की जा रही है। और कुबरा खान हमेशा ही बड़ा ही सोच समझ के अपना प्रोजेक्ट, अपना ड्रामा, अपनी फिल्म टेक ऑन करती हैं। और कुबरा खान की इस ईद पर एक नई फिल्म अभी आ रही है जो कि रिलीज़ होगी इस ईद पर, तो उससे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो दोस्तों आप बताइए आपको कुबरा खान एक्टिंग में कैसी लगती हैं और आपने इनके कौन से ड्रामास और फिल्म्स देखी हैं और आप इनको फिल्म्स में देखना चाहते हैं, ड्रामास में देखना चाहते हैं, जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।